हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पेट्रोल कार वर्सेस डीजल कार। आपको कौन सी कंसीडर करनी चाहिए आज के हालात को देखते हुए, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उस बेसिस पे आपको चूज करनी है, ना कि जो मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है लोगों का उस हिसाब से आपको चलना है। आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपको कौन सी गाड़ी चूज करनी है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और साथ में मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। पहले मेरे पास डीजल कार थी, अभी मैं डीजल से पेट्रोल पे शिफ्ट हुआ हूँ, मैं किन किन चीज़ों का प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ वो सब भी मैं मेरा लाइव एक्सपीरियंस भी आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर किसी इंसान किसी बंदे को अपना बजट बना लिया उसने, अब उसको डिसाइड करना है पेट्रोल वर्सेस डीजल में, तो उसके लिए सबसे पहले उसको सोचना है कि उसकी नीड क्या है, उसे क्या ज़रूरत है और उसकी रनिंग कितनी है मंथली। अगर मंथली उसके मंथ में एवरेज 1500 से ऊपर रनिंग जाती है तो फिर आपको उसको डीजल पे ही जाना चाहिए, और अगर उसके 1500 से नीचे नीचे 1800 1200 ऐसी रनिंग है तो फिर आपको पेट्रोल कार कंसिडर करनी चाहिए। और आपकी डेली डेली कार निकलती है हाईवे वगैरह पे क्रूज करती है, सब ज़्यादा रनिंग ज़्यादा है तो आपको डीजल कार ही लेनी चाहिए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि डीजल कार की यार मैं अभी ले रहा हूँ 20 30 25 लाख रुपए डाल रहा हूँ, 15 लाख, और उसकी लाइफ सिर्फ 10 साल ही है। अगर सपोज मैं 5 6 साल भी गाड़ी रखूँगा, उसके बाद गाड़ी की लाइफ 4 साल ही बचेगी, और मैं इसे रीसेल करूँगा तो रीसेल भी अच्छी नहीं आने वाली डेफिनेटली। अब कोई 4 साल सिर्फ गाड़ी रहने वाली है मार्केट में, उसके लिए कितना ज़्यादा आप कोई पे कर सकता है, तो वहाँ पे रीसेल का सवाल उठता है। और नंबर सेकंड, पेट्रोल कार में 15 साल का टाइम मिलता है आपको, और 15 साल का टाइम मिलता है वहाँ पे आपको 1 1.5 लाख रुपए सस्ती भी मिल रही है डीजल के अकॉर्डिंग। ये दो डाउट्स सबसे पहले आएंगे, उसके बाद में सवाल आता है कि माइलेज का। तो माइलेज का जो प्रॉब्लम है वो है कि डीजल में थोड़ा अच्छा माइलेज मिलता है, 4 से 5 किलोमीटर का डिफरेंस रहता है पेट्रोल वर्सेस डीजल में। अब रेट्स कहीं कहीं पे ऑलमोस्ट सेम हो चुके हैं, पर कहीं कहीं पे वेरिएशन है काफ़ी अच्छा खासा। जैसे अभी मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, यहाँ पे 95 पेट्रोल है, और डीजल की बात करें तो 88 87 डीजल है बड़ोदरा गुजरात में। तो अभी सवाल उठता है कि देखने में ये डिफरेंस बहुत छोटा लगता है। सपोज मैं मेरा लाइफ एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगा लास्ट में कि मैं पहले डीजल चलाता था, अभी मेरे पास पेट्रोल है, मैं क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो ऐसे में सवाल उठता है कि डिफरेंस आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा कि पेट्रोल की गाड़ी 15 16 का माइलेज निकाल देती है, डीजल का 21 20 21 का देती है, तो 4 5 का डिफरेंस लगेगा किलोमीटर का, ऐसा देखने में ऑन पेपर। पर एक्चुअल में जब आप गाड़ी को लॉन्ग टाइम तक चलाएंगे ना, ये डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है, और ये प्रैक्टिकली आप बहुत ज़्यादा महसूस करोगे, और आपके जेब पे भी महसूस होगा ये चीज़, और ये चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, तो आपके सीधी सी बात है, सब कुछ भूल जाओ। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, माइलेज अच्छा चाहिए, पिकअप अच्छा, और बहुत मतलब स्मूथ ड्राइविंग वगैरह चाहिए, तो आपको डीजल पे चले जाइए। डीजल में पावर भी काफ़ी अच्छा खासा मिलता है, और पेट्रोल में अगर आपको लॉन्ग टाइम तक ज़्यादा रखनी है, आप गाड़ी जल्दी गाड़ियाँ चेंज नहीं करते हैं, और आपका प्लानिंग इतनी जल्दी चेंज करने का नहीं है, तो फिर आपको पेट्रोल पे जाइए। और अगर आपकी रनिंग वगैरह भी कम है, तो ज़्यादा रनिंग है फिर आपको डीजल पे ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। प्राइस डिफरेंस भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है, 1 से 1.5 लाख रुपए का बस सिर्फ प्राइस, और कुछ कुछ गाड़ियों पे तो अभी सिर्फ 70 से 80 हज़ार का ही डिफरेंस है पेट्रोल वर्सेस डीजल इंजन में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं बचा। तो ये क्लैरिटी थी डीजल वर्सेस पेट्रोल में। और अब बात करते हैं मेरी, एक्चुअली मेरे पास पहले डीजल थी, डीजल सेडान थी, और अभी मैंने पेट्रोल पेट्रोल पे शिफ्ट किया है। हालांकि मैं लेना डीजल ही चाहता था, पर गाड़ी मिल अवेलेबल ही नहीं हुई, और गाड़ी अर्जेंट में चाहिए थी, तो इस वजह से मैं पेट्रोल पे शिफ्ट होना पड़ा। पेट्रोल में भी मैंने जो डिसाइड की है वो ब्रेजा है, और ब्रेजा का माइलेज मुझे 15 16 का मिलता है। अब इतना माइलेज मिलने के बावजूद मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं सच में, क्योंकि इतना इनफ नहीं है। जो गाड़ी मैं पहले यूज करता था उसका 25 26 27 का माइलेज था, अब उसके बाद में डायरेक्ट 10 किलोमीटर का डिफरेंस मुझे पड़ रहा है, जो कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अब मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था, आई थिंक डीजल पे मुझे शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि डीजल की रेट जो भी है 8 9 रुपये रेट भी कम है, और 10 किलोमीटर का 1 लीटर में 10 किलोमीटर का डिफरेंस जो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे पड़ रहा है। तो अब गाड़ी लोग चूज़ करने पे
आपको इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, पर आपको उसको गाड़ी को रखोगे प्रैक्टिकली जब उसको यूज में लाओगे तब आपको डेफिनेटली फर्क सामने आएगा। तो यही मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जब आप गाड़ी प्लान करते हो कि आपको कौन सी राइट डिसीजन उस टाइम पे अगर नहीं लिया तो भी तकलीफ होने वाली है। और ऐसे समझ लो, एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि जब मेरे पास वो वाली गाड़ी थी तो मेरा ऐसे लगभग 3 से 4 हज़ार, 3 हज़ार में लगभग पूरा मंथ निकल जाता था। 3 से 3 हज़ार में 3500 में, क्योंकि 2500 में टैंक टैंक फुल हो जाता था और पेट्रोल के रेट भी 80-85 रुपए थे, डीजल के सॉरी। अभी सिचुएशन कैसी है पेट्रोल की है, तो अभी गाड़ी 8 से 9 हज़ार में भी मंथ पूरा नहीं निकलता है। आप डिफरेंस देखिए, 3500 4 हज़ार का कभी कभी मेरा मंथ में जाता था पहले, और अब पेट्रोल के में 8 हज़ार में भी मंथ नहीं निकलता है। तो ये आप डिफरेंस देख सकते हो, हालांकि थोड़ा बहुत प्राइस डिफरेंस भी है और माइलेज बहुत हद तक मैटर करता है। जो 4-5 किलोमीटर का भी माइलेज है वो छोटी डिस्टेंस पे या छोटे टाइम में आपको नहीं लगेगा, आप जाते जाते गाड़ी चलाएंगे फिर आपको वो चीज़ महसूस होने लगेगी। तो लिटरली मतलब एक्सपेंसेस डबल हो चुके हैं और ये चीज़ मतलब थोड़ी लगती है कि इतने में 2 महीने पहले निकलते थे और अब 1 महीना ही निकल रहा है, तो वो चीज़ तो फेस होने वाली है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, अगर आपको डिसाइड कर रहे हो तो मेरे हिसाब से रनिंग थोड़ी ज़्यादा है तो फिर डीजल पे ही जाइए, पेट्रोल पे मत जाओ। और अगर आपको फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है माइलेज से फिर तो आप कोई भी उठाइए, क्या फर्क पड़ता है। तो मुझे ये सारी प्रॉब्लम फेस हो रही है पेट्रोल से डीजल से पेट्रोल पे शिफ्ट होने का। हालांकि आने वाले टाइम में डीजल का लाइफ बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रिक और फ्लेक्स फ्यूल बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मार्केट को रिसर्च चल रही है, बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट भी मार्केट में होने वाले हैं। जैसे कि अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कहा है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट वगैरह ये सब होने वाले हैं। और मारुति ऑलरेडी फ्लेक्स फ्यूल पे काम कर रही है, मतलब सबसे पहले जो गाड़ियाँ दिखने वाली है वो मारुति से ही आई थिंक दिखने वाली है फ्लेक्स फ्यूल को लेके। आई थिंक आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे पेट्रोल डीजल में, तो आपको चूज़ करने के लिए आसानी होगी। और आपको अगर इस हिसाब से आप सोचते हो, अगर ऐसी कंडीशन है आपकी, तो पेट्रोल लो डीजल लो, उस हिसाब से आपको खुश रहोगे। अदरवाइज स्टार्टिंग में गलत डिसीजन ले लिया तो आपको पछताना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।